नमस्कार, मैं हूं त्रिशला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुख करते हैं उत्तराखंड की कुछ अहम खबरों की ओर। हल्द्वानी में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने प्रेस वार्ता किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। कांग्रेस आने पर कई तरह की पेंशन दी जाएंगी। उत्तराखंड में 4,75,000 गरीब तबके के लोगों को 40,000 रुपए हर साल दिए जाएंगे। इस दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद दुर्गापाल भी प्रेस वार्ता में मौजूद रहे। औसत आय निरंतर बढ़ती जा रही थी और राज्य की विकास दर लगभग शून्य की तरफ थी और राजस्व वृद्धि दर नकारात्मक थी। तो ऐसे समय में हमने संसाधन जुड़ा करके न केवल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाए बल्कि राज्य को एक स्वस्थ ग्रोथ के साथ आगे बढ़ते हुए राज्य के स्तर वर्णित किया। हम फिर से संसाधन जुटाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे, संसाधन जुटाएंगे, एक स्वावलंबी राज्य के रूप में आगे बढ़ेंगे। हमने जिन योजनाओं का जिक्र किया है वो सारी योजनाएं जो है राज्य की आर्थिक ग्रोथ को बढ़ाने का काम करेंगे। खबर कलियर से है, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी फुरकान अहमद को कलियर विधानसभा में सभी सर्व समाज का समर्थन मिलता जा रहा है। कलियर विधानसभा में कांग्रेस बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचती दिखाई पड़ रही है। कलियर विधानसभा में जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी फुरकान अहमद ने समर्थन में भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी फुरकान अहमद को आश्वस्त करते हुए कहा कि उन्हें वह तीसरी बार कलियर से जिताकर विधानसभा भेजने का कार्य करेंगे। तब से मैंने होश संभाली, मैं वार्ड मेंबर से लेकर विधायक तक काफ़ी चुनाव लड़े, मुझे काफ़ी चुनाव में जीत भी हुई, मगर आज जो आज जाबिर भाई, जावेद भाई सभी साथी थे, आज जो प्यार मुझे यहाँ से मिला, भैया अजीत भैया जी जो प्यार मुझे यहाँ आज यहाँ से मिला, मैं बहुत खुश हूँ और मैं अल्लाह ताला से यही दुआ भी करता हूँ कि जिस तरह प्यार आज मुझे मिला इसी तरह इतना हमारी जिंदगी रहे, इसी तरह प्यार बना रहे। खबर सुतारगंज से है, जहां पर विधानसभा क्षेत्र में नामकंता के निर्दलीय प्रत्याशी मुकेश सिंह राणा ने अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर मिठाई बांटी, साथ ही फीता काट कर नामकंता के निर्दलीय प्रत्याशी मुकेश सिंह राणा ने अपने समर्थकों से कहा कि आज से हम अपना चुनाव प्रचार की गति को देंगे, जनसंपर्क भी तेज करेंगे। बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है, आप देख रहे होंगे सब लोग जो है यहाँ, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, सब लोग देखते हुए आए हैं, एक जोश और जुनून के साथ आए हैं कि हमने जो इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपको जो है विजयी बनाना है। ये चुनाव मुकेश राणा का नहीं है, बाकी यहाँ जितने लोग हैं और जितने भी क्षेत्र में हमारे समर्थक हैं सभी लोग अपने पूरे तन मन और धन से चुनाव में लगे हैं, हमारे साथ हैं, सहयोग कर रहे हैं। वहीं पिरान कलियर विधानसभा में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी का होर्डिंग लगा दिखा। इस होर्डिंग को देखने के बाद कहा गया कि चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब ऐलान के बाद भी आप प्रत्याशी के होर्डिंग को नहीं उतरवाया गया। इसी पर तंज कसते हुए विपक्षियों ने कहा कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पर चुनाव आयोग का नियम लागू नहीं होता। जो इस तरह से पिरान कलियर के चौराहे पर होर्डिंग लगाया गया है और सेक्टर मजिस्ट्रेट उस वक्त होर्डिंग को उतरवाने में नाकाम साबित हो रहे। तो सुल्तानपुर पट्टी में प्राइम टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। सुल्तानपुर पट्टी ने चौकी प्रभारी दीपक कौशिक के 80 नशे के इंजेक्शन के साथ एक युवक को पकड़कर जेल भेज दिया है। पुलिस छापा मारते हुए नशे के 80 इंजेक्शन के साथ युवक को पकड़ लिया है, जो बाहर से सामान लाकर यहां पर सप्लाई करता था। इस वक्त इस खबर को हमारी टीम ने प्रमुखता के साथ दिखाया था।
उत्तराखंड में बारिश और भारी हिमपात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली वर्चुअल जनसभा स्थगित कर दी गई है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के कारण संगठन स्तर पर यह निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि जल्द ही वर्चुअल जनसभा आयोजन के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर प्रधानमंत्री की एक एक वर्चुअल जनसभा को आयोजन का कार्यक्रम किया जाएगा। इसके तहत वर्चुअल जनसभा में अल्मोड़ा लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली 14 विधानसभा सीटों की जनता को प्रधानमंत्री ने दिल्ली से संबोधित करना था। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 5 फरवरी को उत्तराखंड में 2 स्थानों किच्चा और ज्वालपुर में वर्चुअल सभाओं को संबोधित करेंगे। विधानसभा क्षेत्र किच्चा के साथ ही आसपास की किसान बहुल सीटों के समीकरण को देखते हुए राहुल के दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरे के दौरान राहुल गांधी 5 फरवरी को सबसे पहले उधम सिंह नगर जिले के किच्चा पहुंचेंगे, जहां वो मंडी में किसान से संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद राहुल गांधी हरिद्वार के ज्वालापुर में जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र में वर्चुअल रैली को भी संबोधित करेंगे। पहाड़ों में हो रही जोरदार बारिश और बर्फबारी के बीच टिहरी में सिवान विधानसभा घनसाली से बीजेपी प्रत्याशी शक्तिलाल शाह और कार्यकर्ता प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। वहीं इस दौरान भाजपा प्रत्याशी शक्तिलाल शाह ने कार्यकर्ताओं की पूरी टीम के साथ डोर टू डोर कैंपेन की है, जहां उन्होंने लोगों से भाजपा को वोट देने की अपील की है। खबर ऋषिकेश से है, जहां के कांग्रेस प्रत्याशी 2022 चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस दौरान कांग्रेस ने नगर निगम के 4 निर्दलीय पार्षदों और 2 भाजपा के पूर्व सभासदों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। वहीं कांग्रेस की सदस्यता देने के दौरान पार्षदों ने दावा किया कि वो जी जान से मेहनत करके कांग्रेस प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए काम करेंगे। देखिए, कांग्रेस की पूरे प्रदेश के अंदर लहर है और आपने देखा होगा, जिस दिन से आदरणीय सजवान जी का आशीर्वाद मुझको मिला, उस दिन से गली गली मोहल्ले मोहल्ले में घर घर से लोगों ने एक आवाज़ उठानी शुरू कर दी है कि अब की बार कांग्रेस सरकार, ऋषिकेश में जो 15 साल का सूखा पड़ा था, जो 15 साल का विकास ठप पड़ा था, जो 2007 में चढ़ते हुए विकास को जो इन्होंने रोकने का काम किया था, पहियों को रोकने का काम, अब ऋषिकेश की जनता ने मन बनाकर इस बार विकास को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस की ओर आकर्षित होने का काम किया। आज हमारे साथ पार्षद, पूर्व पार्षद और तमाम नेतागण, भाजपा के नेतागणों ने कांग्रेस को ज्वाइन किया, कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करी और किसी भी शर्त नहीं, उन्होंने कहा हम विकास के साथ हैं, उन्होंने कहा हम युवा प्रत्याशी के साथ। पूरे ऋषिकेश क्षेत्र में 2 वर्ष पहले जनता ने मन बना लिया था, अब की बार हम प्रेमचंद जी से विदाई लेंगे या उनको विदाई करेंगे और उनके विकल्प के रूप में जो भी दिखेगा, उनको सुधीर सिंह सजवान दिख रहे थे, अब उनको कांग्रेस के प्रत्याशी जयेंद्र रमोला दिख रहे हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस की विजय होगी, ये मैं कह सकता हूँ। एक एक कार्यकर्ता जो मेरे साथ वर्षों वर्षों से जुड़ा था, वो आज कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ, क्योंकि तब भी वो कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ थे और आज भी वो कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ हैं, अपना आशीर्वाद कांग्रेस के प्रत्याशी को देंगे और निसंदेह हमारी विजय होगी। खबर कलियर से है, जहां हद्दीवाला में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उस उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान भाजपा विधायक सुरेश राठौर ने कहा कि उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए 110 करोड़ रुपए की लागत से पुल, सड़कें और गांव के गंदे बहते पानी की निकासी के लिए नालियों का निर्माण कराया है और क्षेत्र के विकास के लिए भाजपा सरकार में अनेकों काम हुए हैं। वही इस दौरान भाजपा प्रत्याशी सुरेश राठौर ने आने वाली 14 फरवरी को अपना मतदान भाजपा के पक्ष में डालने की भी लोगों से अपील की है। पिरान कलियर से बसपा प्रत्याशी सुरेंद्र सैनी के नेतृत्व में सैनी समाज के लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान सदस्यता ग्रहण करने वाले लोगों ने कहा कि हमारे साथ धोखा किया गया है, जिसकी वजह से सैनी समाज के लोगों ने भाजपा छोड़ी, क्योंकि भाजपा सरकार में सैनी सरकार के लोगों की कोई सुनवाई नहीं थी।
मैं विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहा हूं। आप आज धनोरा गांव में हैं, यहां पर आने का रास्ता आपने भी देख लिया है, पानी भरा पड़ा है और इस क्षेत्र में विधानसभा के किसी भी गांव में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोगों में आक्रोश है और लोगों में इस बार बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का उन्होंने मन बनाया हुआ है और बहुजन समाज पार्टी भारी मतों से ये सीट जीतने जा रही है। भाजपा के प्रत्याशी ने एक बयान दिया है, देखिए ये वाणी है उसका, मैं इसमें क्या कहूँ, वो जनता उसको उसकी जमानत जब्त करने जा रही है, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी के साथ आपने इसी एक ही गांव को देखा है, आप दूसरे गांव में भी जाकर देखें और सर्व समाज का हमें वोट मिल रहा है, तो जिसकी वाणी ही ठीक नहीं उसको क्या कहा जाए। देखिए सभी, अब सभी समाज जागरूक हो चुका है और ख़ासकर सैनी समाज अब जागरूक है, क्योंकि भाजपा पार्टी ने सैनी समाज का हमेशा इस्तेमाल ही किया है। आज लग ना कोई विधायक देख पाए ना ही सांसद दे पाए, तो इसीलिए अब की बार हम सभी जितने समाज के लोग हैं और सैनी समाज के लोग हैं, हम सभी ने यही ठाना है कि अब की बार सुरेंद्र सैनी जी को विजय बनाना है। पूर्व मुख्यमंत्री और लालकुआं से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत ने समर्थन में लालकुआं पहुंचे कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष उमेश जोशी ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर नगर में प्रचार अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने बाजार क्षेत्र में व्यापारी और क्षेत्रवासियों से हरीश रावत को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की है। आज हम यहाँ पर वायुमंडल के अधिकतर अधिवक्ता, चाहे वो नैनीताल हाईकोर्ट के हैं अधिकतर, काशीपुर, रामनगर, पिथौरागढ़, हल्द्वानी, रामनगर और लोकल लालकुआ के अध्यक्ष जी के यहाँ पर निवेदन पर हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोगों ने कुछ ऐसे ही विदित हुआ कि राष्ट्रीय नेता हरीश रावत जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमने अधिवक्ताओं ने अपना यह फर्ज समझा कि यहाँ की आदरणीय सम्मानित जनता को बताएं कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में रहने का क्या फ़ायदा होता। मैं खुद मुख्यमंत्री के क्षेत्र नारायण दत्त तिवारी जी के काशीपुर में रहा हूं और उनके जाने के बाद वहां विकास ठप हो गया। विधि कांग्रेस कमिटेड है, हम एक अभियान चलाएंगे, इसमें मैनिफेस्टो की अवेयरनेस हम लोगों को देंगे। सबसे बेहतर चीज़ मैनिफेस्टो में ये है कि पर्यावरण को लेकर बहुत स्पेसिफिक प्रोविजन रखे गए जो किसी मैनिफेस्टो में नहीं है। पर्यावरण इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज उत्तराखंड में पर्यावरण का अगर ध्यान रखा जाए तो उससे रेवेन्यू तो जनरेट होगा ही होगा और साथ में वो अल्टीमेटली स्टेट के लिए बेनिफिशियल है। तो विधि कांग्रेस अब कमिटेड है और एक हम प्रोग्राम चलाएंगे इसमें मैनिफेस्टो अवेयरनेस चलेगी, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है और उस प्रोग्राम के तहत हम आपके पास भी आएंगे और हम वेबिनार का भी आयोजन करेंगे। 100 रुपये में सिलेंडर की बात कही गई है, बहुत जायज़ है क्योंकि ये भी प्रपोज किया गया है कि जो एक्स्ट्रा बर्डन होगा वो सरकार खुद वहन करेगी। वही उत्तराखंड में मौसम के करंट बदलने के बाद भारी बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। भारी हिमापत के कारण पहाड़ों में कई संपर्क भी गाड़ियों का आवाजाही पर रोक दिया गया है, जबकि दर्जनों गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क भी कट गया है। जबकि मसूरी नैनीताल समेत तमाम पहाड़ियां बर्फ से लदकद हो गई है, वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है, जिसको लेकर प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। तो ये रही उत्तराखंड की कुछ अहम खबरें, ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।